हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम. सी दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बेसिकली स्पेशली डिजाइन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो फॉर्मूले या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर शॉर्टकट ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगी, सच टाइप ऑफ दीज क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस प्ले लिस्ट के अंदर आपको हर तरह के चैप्टर वाइज आप कह सकते हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, बहुत सारे कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से लगा के हम जल्दी ही इसका आंसर निकाल सकते हैं. देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आउट ऑफ कंसाइनमेंट 75% गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट 1%. यानी कि वो ये बोल रहा है कि अगर हम बात करें कि आउट ऑफ कंसाइनमेंट 75% तो गुड वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट पर 75% कंसाइनमेंट आपके भेजे हैं. एंड द बैलेंस इज 25 बैलेंस बचा है, वाज सोल्ड एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ 4%. मतलब आपको सोचा नहीं था कि कौन सा लॉस आप उसमें बियर करेंगे, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेड लॉस का जो 4% आपको देना पड़ा सिर्फ इतने पार्ट पे. सो इफ द ओवरऑल प्रॉफिट इन द डील वाज ₹200, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ओवरऑल जो डील दे रखा है अगर वो 200 है, सो वो ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट. सिर्फ आपको कंसाइनमेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल. इसका सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लगाते हैं. देखिए दिस टाइप ऑफ सच क्वेश्चन यू कैन फाइंडली एलजेब्रिकली, ठीक है, और अगर एलजेब्रिकली के आप इसको निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट उसको आप एक्स के अकॉर्डिंग भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. तो इसका हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला सीखेंगे जो कि शॉर्ट भी है और इजी भी है. देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर कंसाइनमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कंसाइनमेंट वैल्यू के लिए जो निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, वो फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले जो आपका टोटल प्रॉफिट दे रखा है. सबसे पहले टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, उसके अकाउंट में हम क्या लेंगे यहाँ पे पार्ट ए. अभी मैं आपको बताऊंगी कि पार्ट ए क्या है आपका, ठीक है. पार्ट ए मल्टीप्लाई बाय परसेंट प्रॉफिट जो आपको दे रखा होगा, एंड माइनस इसमें आप क्या करेंगे पार्ट बी एंड मल्टीप्लाई परसेंट लॉस को आप मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए ये आंसर यहाँ पर ये नेगेटिव में है पहली चीज. तो अब सबसे पहले पार्ट ए और पार्ट बी को डिस्कस कर लेते हैं. पार्ट ए आपका है यहाँ पर 75, ठीक है, 75, और पार्ट बी की अगर हम बात करें तो वो आपका है 25, ठीक है. प्रॉफिट की हम बात करें दैट इज 8%, लॉस की हम बात करें दैट इज 4%. तो इजी पुट कर लेते हैं हम इसके अंदर. टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन में आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सबसे पहले यहाँ पे पार्ट ए की. पार्ट ए आपको 75 दे रखा है, मल्टीप्लाई है प्रॉफिट आपका 8 है, 8% है, ठीक है, एंड माइनस आपका है पार्ट बी आपका कितना दे रखा था यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय लॉस परसेंट था आपका 4%, ठीक है. अब देखिए इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजी तरीका, सिंपल. आपको यहाँ पर तो आ गई 20,000, ठीक है, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, देखिए 75 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 100 माइनस उसके बाद 25 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 100. तो सबसे पहले तो इसको हम ऐसे काट लेते हैं, 4 से 4 कट गया, फिर यहां पर ये 3 से कटेगा और यहां पर 4 से 4 से कटा तो ये 2 से, तो यहां पर कितना आ गया देखिए 20,000 एंड अपॉन में सिंपल 3 2 6 एंड माइनस यहां पर कुछ भी नहीं बचा सिंपल 1, तो आपका आ गया 20,000 अपॉन में 5, ठीक है, 6 में से बन गया 5 से कटिंग कर दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे सिंपल 4,000. यानी कि मैं बात करूं सो ₹4,000 इज द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट जो उसने पहले बोली थी. तो इस तरीके से इस पैटर्न के ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और इस पैटर्न से किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आपकी खुद की बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, आप चाहें तो उनकी प्रैक्टिस करें, ये फॉर्मूला अप्लाई करें और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया और इस फॉर्मूले से आपने बहुत ही जल्दी इसका आंसर भी निकाल लिया.
क्योंकि इसका पैटर्न बहुत ही इजी है. सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मिलेंगे एक और नए ट्रिक के साथ नए क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू.